55 टू 62 में आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है सिंपल, तो आप यहाँ पे हम सपोज कर देते हैं कि t इज इक्वल टू 1 ओवर x, जब यहाँ पे x सब्स्टिट्यूट किया क्योंकि x अप्रोच टू पॉजिटिव 0 फ्रॉम द राइट साइड, देन t अप्रोच टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और f ऑफ x की जगह पे चूंकि ये आपका f ऑफ x है इसमें आप t रिप्लेस कर दें तो f ऑफ t बिकम्स e टू द पावर t. तो अब जब आप पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करते हैं e टू द पावर t इज पॉजिटिव इन्फिनिटी. ठीक है, अब ये नेगेटिव जीरो की तरफ जब जाते हैं यहाँ पे आपके पास f ऑफ x जो है e पावर 1 ओवर x है, आप t को रिप्लेस कर देंगे तो दिस बिकम्स f ऑफ t इज इक्वल टू e पावर t. अब क्योंकि x अप्रोच करता है जीरो को नेगेटिव साइड से और आपने t को ये चूज किया हुआ है, जब आप इसको x को पॉज जीरो को अप्रोच कराते हैं नेगेटिव साइड से दिस अप्रोच इज टू नेगेटिव इन्फिनिटी. सो अब आपके पास है लिमिट x अप्रोच इज टू नेगेटिव इन्फिनिटी e पावर t. जब आप नेगेटिव पुट करते हैं दिस बिकम्स नेगेटिव है, नीचे डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं तो पॉजिटिव बन जाता है, तो दैट गिव्स अस जीरो. ओके, 57 में लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड, अगेन हमने ये सपोज कर दिया और अब x चूंकि जीरो को पॉजिटिव से अप्रोच कर रहा है, t आपने दिया हुआ है, तो secant x दैट मीन्स 1 ओवर साइन x, सो 1 ओवर साइन गोज टू पॉजिटिव इन्फिनिटी. ठीक है, अब आप इसमें e टू द पावर t, अब आप लिमिट x अप्रोच सॉरी x में t को अप्रोच करते हैं पॉजिटिव, तो दैट गिव्स यू पॉजिटिव इन्फिनिटी. अब इसमें सिर्फ वो चीजें नेगेटिव हो जाएंगी, x अप्रोच तो जीरो फ्रॉम नेगेटिव साइड, सो t क्योंकि 1 ओवर साइन है दैट अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी, और e पावर t जब आप t को अप्रोच करते हैं माइनस इन्फिनिटी तो दैट बिकम्स e पावर माइनस इन्फिनिटी, हम इसको लिख देते हैं इस तरह, तो दैट बिकम्स जीरो. इसमें आपको हिंट दिया हुआ है कि t इज इक्वल टू आप नेचुरल लॉग ऑफ x पुट कर दें, जब x पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करा तो t भी क्या होगी, वो भी पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, इसमें एक्स की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे टी भी पॉजिटिव इन्फिनिटी. अब यहाँ पे आप रूल अप्लाई कर सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ 2x को हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x, और x की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है विच इज टी जो कि हमने निकालनी है. सो नेचुरल लॉग्स ऑफ x की जगह पे सॉरी हम टी पुट कर देंगे, दिस बिकम्स नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस टी. ये देखिए ये 3 वाले में 3 नेचुरल लॉग ऑफ 3 प्लस एक्स आ जाएगा, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ 3 प्लस टी, और अब ये दो चूंकि नंबर्स हैं. अच्छा, अब आपके पास आता है लिमिट टी अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी टी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 2 टी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 3, तो ऊपर नीचे टी से डिवाइड कर दें, इसको भी टी से, इसको भी टी से, इसको भी टी से, इसको भी टी से, दैट गिव्स अस 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइड बाई टी, 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ टी डिवाइड बाई टी. इसके ऊपर आप अप्लाई करते हैं तो दिस गिव्स यू 0, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं तो दैट गिव्स यू 0, द आंसर इज 1/1 व्हिच इज 1, सो दैट गिव्स यू दिस. 60 में अगेन वही चीज गिवन है, हिंट दिया हुआ है कि आपने इसको चूज करना है, उसकी रीजन क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1. ठीक है, तो अगर हम इसको स्प्लिट कर दें नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 का हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ प्लस एक दफा इसके साथ प्लस एक दफा माइनस के साथ, और ये वाला एज इट इज आ जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है कैंसिल हो गया, आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 आ गया जिसको हमने टी कहा हुआ है, तो ये आ जाता है ये. ठीक है, तो नेचुरल लॉग ऑफ टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, नेचुरल लॉग ऑफ टी भी क्या आंसर देगा, इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी. ये अगेन वो एक रूल है. ठीक है, तो इसमें हम टी को एक्स को माइनस 1 पुट कर देते हैं और टी को माइनस एक्स पुट कर देते हैं, तो ये आपका फंक्शन बन जाएगा. इसकी जगह पे हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस, हम इसको लिख सकते हैं प्लस 1 ओवर माइनस एक्स, इस तरह लिख सकते हैं ना. अब इस माइनस की जगह हमने
कीप रिप्लेस कर दिया, इस माइनस एक्स की जगह पर कीप रिप्लेस कर दिया, और एक्स चूंकि अप्रोच करता है पॉजिटिव इन्फिनिटी को, तो टी तो माइनस एक्स किसको अप्रोच करेगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इसीलिए टी अप्रोच करेगा माइनस इन्फिनिटी को। ठीक है, तो हमने ये रूल पढ़ा हुआ है, अगर ये सिचुएशन हो तो दैट गिव्स अस एन ई। इसी तरह 62 में अगर आप देखें यहाँ पे टू टाइम्स है, तो हम एक्स बाई टू को टी ले लेते हैं, ठीक है ये टू बाई एक्स है तो हम इसको एक्स बाई टू ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, अगर x बाय टू टी है तो 2 बाय एक्स क्या होगा, 1 ओवर टी, तो दिस बिकम्स 1 ओवर टी, और ये जो x है इसको भी हमने रिप्लेस करना है, तो x बिकम्स x इज इक्वल टू 2t, तो दैट बिकम्स 2t, और 2t को हम लिख सकते हैं t टू द पावर 2। ठीक है, अब ये जो चीज अगेन e के इक्वल है, that becomes e to the power